भाई साहब बिजी शेड्यूल है फिर भी ये वीडियो बना रहा क्यों? ताकि मेरा स्ट्रीक मेंटेन रह सके। एनीवेज 10:52 अभी तक का सबसे मज़ेदार चैप्टर मेरे हिसाब से। इंट्रो देख लो फिर बात करना चालू करता है मैं। और हाँ, जल्दबाजी में वीडियो बना रहा तो जज मत करना। लेट्स बिगिन। अब मुझे चैप्टर एकदम ही मज़ेदार क्यों लगा? ऑब्वियसली क्योंकि इसमें स्ट्रॉ हैट्स एकदम अपना मस्ती करते हुए दिखे हैं, वो भी करोड़ साल बाद। भाई मतलब मज़ा आता है यार इनको देख के, ऐसे एक साथ बकचोदी करते देख के। लाइक अच्छा है यार, बढ़िया। यही हरकतें तो मतलब इन्हीं हरकतों की वजह से तो भाई स्ट्रॉ हैट्स इतने पसंद है अपने को, तुमको भी मुझको भी। ज़ोरो लूफी मस्त। इतना मतलब कोई इतना भुक्कड़ और नशेड़ी कैसे हो सकता है भाई? मस्त। ज़ोरो का हरकत देख के मेरे को मज़ा आया। सांजी के साथ क्या मस्त उसका हमेशा वाला डायनामिक्स दिखा है। सांजी बेचारा जल रहा था ज़ोरो से हियोरी की वजह से। आई लाइक इट। अरे यामाटो भाई क्या मस्त लग रही है यार ये चैप्टर में। भाई एक दिन में घुल मिल गई है वो सारे स्ट्रॉ हैट से। और वो सीन मेरे को मस्त लगा जिसमें यामाटो मोमो के सर पे प्लेट रखी थी लमाओ, लाइक ओडन जैसे दिख रहा है भाई मोमो प्लेट के साथ, इसलिए शायद यामाटो कर भी रही थी। एंड मोमो हरामखोर का फाइनली वो बालक वाला प्रिविलेज गया। नामी मस्त चटका दी उसको। अच्छा लगा भाई, और मारना चाहिए था नामी को। एंड ये जो पूरा सीन हो रहा है ये वानो वॉर के ख़त्म होने के 7 दिन बाद हुआ है, मतलब कि अरबों साल बाद एक टाइम स्किप हुआ है छोटा सा आई गेस। बट तुमने एक चीज़ सोचा कि ओडा ने ओनिगाशिमा वॉर जो कि एक रात में ख़त्म हो गया उसको 75 चैप्टर के आसपास चलाया और अब 7 दिन का ऐसे झटके में टाइम स्किप भाई। ड्रैगन बॉल और वॉट, लेकिन बढ़िया था। एंड ये वाला पैनल मुझे बहुत अच्छा लगा। मस्त लूफी ज़ोरो के उठने पे सब खुश होते हुए दिखे, एकदम मस्त होलसम बाजी। और ये वाला पैनल भी जिसमें लूफी को यामाटो पकड़ के रखी है एंड ज़ोरो को चॉपर, मस्त। और नहाने वाला सीन भाई। यामाटो लूफी लोग के साथ नहाइए भाई। जिसमें सांजी का रिएक्शन यार मस्त, एकदम सेक्सी। करोड़ साल बाद इसका ठरक वाला कुछ दिखा है। ब्रुक भी फुल यो हो कर रहा होगा मनी मन में। यामाटो मस्त है यार, यामाटो का भी मस्त है यार, बट स्मोक एंड ऑल सैड। लेकिन वो लूफी ज़ोरो के साथ मस्त सिंक कर रही है, मज़ा आया उसको देख के। मेरे को समझ नहीं आया लेकिन मोमो हग्गी क्यों इनके साथ नहा रहा है? I mean, उसको भाई ओतामा और ओतोको के साथ बच्चे वाले बाथरूम में भेजो यार, ये कहाँ पहुँच गया ये धूर। लड़कियों का नहाने वाला सीन व्हाट कैन आई से, मस्त। लेकिन मुझे एक आज पता चला एक चीज़ कि कोमाची एक गर्ल कुत्ता है शायद, मतलब वेट ग्रिल ही है ना ये, पता चला लौंडा है और उधर तामा के चक्कर में आनंद उठा रहा है वो। एंड लड़कियों की अगर बात कर ही रहे हैं तो हमारी क्वीन रॉबिन, मतलब रॉबिन डार्लिंग कहाँ है? वो पूरे चैप्टर में एक भी पैनल में नहीं है। मैं एकदम गौर से ढूंढ रहा था उसको, उसी को देखता रहता है मैं हर चैप्टर में, ढूंढता रहता है उसी को, और इसमें मुझे मिली नहीं वो। क्या वो रोड पोनिग्लिफ पढ़ रही है? अब मुझे लगता है कि इनको अभी तक तो रोड पोनिग्लिफ मिल ही गया होगा 7 दिन के बीच में, कभी भाई छान मार लिए होंगे रोड पोनिग्लिफ के लिए लोग। वैसे ये 7 दिन में क्या क्या हुआ है मुझे जानना है, क्योंकि भले ही काइडो बिगमम गए बट किंग क्वीन जैक पेरस्पेरो कांजुरो ये सब का क्या हुआ है? अब वानो एक ऐसा आइलैंड है जिस पे लूफी ने अलाबास्ता और ड्रेसरोसा के जैसे जाके सबको फ्री किया, वानो में जाके सबको फ्री किया ना लूफी ने। बट उधर सीन ये था ना कि विलन्स को हराने के बाद तुरंत मरीन्स उनको पकड़ के ले गई थी, तो फिर इधर 7 दिन तक उनको उठने से रोकने के लिए क्या किया गया है? क्या उन पे सी स्टोन बांध के कहीं बंद कर दिया गया है, जेल वेल में, उडोन के जेल में डाल दिया है शायद? में भी हो सकता है ऐसा ना कि किंग क्वीन वो सब तो बेहोश होंगे, जब हार गए थे तब बेहोश हो गए थे ना, तो बांध दिए होंगे सी स्टोन से और डाल दिए उडोन में। एंड दिस इज़ सो फनी यार, मतलब एक टाइम पे भाई वानो वाले जो है जेल में थे और अब शायद ये लोग जेल में है। नाइस। इसके अलावा मेरे को चैप्टर के स्टार्टिंग का सीन बहुत मस्त लगा। एक इम्पॉसिबल चीज़ को होते हुए देख के सबसे भद्दा सा गोरो से दिखा अपने को, और उसके चेहरे पे जो खौफ दिखा है भाई और पसीना, मस्त सेटिस्फाइंग। एंड जस्ट आफ्टर वॉर जो ड्रेक और हॉकिंस का कन्वर्सेशन दिखा है वो मेरे को बहुत फुद्दू लगा हुआ था। लाइक हॉकिंस कितना हरामखोर है भाई, हारने के बाद बोल रखी अरे मैं तो पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि काइडो हारेगा, हुई 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 हुई, गांडू साइड नहीं चेंज करने के चक्कर में तेरा हाथ कट गया।
वैसे एक और चीज़ है जो कि मैं एकदम दिल से अप्रिशिएट करता है, और वो है ईज़ो और आशुरा का डेथ। लास्ट चैप्टर वीडियो में बोला था आशुरा डोजी मर गया है क्या, एंड वो एक्चुअली में मर गया है, विच अगर तुम सोचने जाओ तो थोड़ा ये फनी भी है। आई मीन मैं खुश है कि हीरोज़ के साइड से भी मरे हैं लोग, बट सोचो काइडो और बिग मॉम योंको होके किसी को नहीं मार पाए, और एक फुद्दू सा पेंटर आशुरा डोजी को मार दिया, और वो लंबा सीपी जीरो ईज़ो को ले गया। लमाओ, लाइक सैड। वैसे मैंने ईज़ो का डेथ होगा नहीं सोचा था, तो दिस डिसीजन ऑफ ओडा वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। एट द एंड अच्छा ये हुआ, अब मैं वो हरामी हरकत नहीं करना चाहता कि पहले मैं बोल रहा हूँ अरे डेथ क्यों नहीं हुआ, और जब हो गया था मैं बोलूँगा अरे डेथ क्यों हुआ। नहीं भाई, आई एम हैप्पी, ठीक है। लेकिन कीकू और किनेमोन मरते तो ज़्यादा बेटर होता, उनका हालत कैसा था यार, बट ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स कॉल देम लक्की। किड लॉ मैं कुछ खास नहीं दिखा है, अप्पू उसने बोला है कि न्यूज़पेपर्स में बाउंटी आ गया है, नया जो न्यूज़पेपर आया है उसमें बाउंटी आ गया है। वैसे मैंने पहले बोला था ना कि लूफी किड लॉ, भाई ये तीनों का बहुत ज़्यादा बाउंटी जाने वाला, और देख लेना पक्का भाई, पक्का बहुत जाएगा देखना। मॉर्गन लूफी किड लॉ को ही पूरे वॉर का क्रेडिट दिया होगा, मज़ा आएगा न्यू बाउंटीज देखने में। आई मीन इसी का तो इंतज़ार था बहुत टाइम से। और हमारे वीनस और चीचा ये भी आ रहे हैं वानो अब, ये आ चुके हैं एक्चुअली वानो अब, जो कि मेरे को सरप्राइजिंग लगा। मतलब सुनो, देखो मैं बता रहा तुमको कुछ, अकाइनू ने बोला कि हरकत मत करना रोक्योगू रियोकोग्यू जो भी नाम है इसका। ऑब्वियसली उसने इसलिए बोला क्योंकि हरकत करने से भी वानो को एनेक्स नहीं कर सकती वर्ल्ड गवर्नमेंट और मरीन्स अभी के टाइम पे। यू वॉन्ट टू नो वाई? बिकॉज ऑफ द वाटरफॉल। मतलब ये हरा सांड ऊपर से उड़ के जा सकता है, बट सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट थोड़ी चल देंगे ऊपर ऐसे उड़ के, बताओ ना, सब पे थोड़ी ना उड़ के वाला पावर है। हाँ ऐसा हो सकता है मे बी कि ग्रीन बुल अपने टेल फ्रूट के हेल्प से इनको भी उड़ा ले शायद, लेकिन फिर भी वानों को एनेक्स करना मुश्किल होगा बहुत अभी के टाइम पे। तो फिर ग्रीन बुल गया ही क्यों है वानों? लाइक डूड, रीज़न क्या है वानों जाने का ग्रीन बुल के लिए? ये बंदा तब निकला वानो के लिए जब काइडो बिग मॉम हार गए थे, 7 दिन पहले निकल गया था ना ये लौंडा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक्चुअली में लूफी से मिलने आ रहा है? मे बी आ चुका है एक्चुअली, अगर तुम सोचने जाओ तो हो सकता है, राइट? कि दिस एडमिरल इज ऑल्सो अ गुड एडमिरल लाइक फुजीतोरा, इसलिए शायद फुजीतोरा का इसके साथ एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसके सामने ही नूडल खींच रहा था ना फुजीतोरा। अब मुझे एक्चुअली में रियोकोग्यू का इंटेंशन जानना है, और ये भी जानना है कि इसका डेल फ्रूट कौन सा है, और फेस रिवील तो चाहिए ही तुम्हें भी। डेल फ्रूट मस्त होगा इस बंदे का, मुझे ऐसा लगता है देख के, मतलब लग रहा है, मतलब ये समहाउ वानों के पास वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप्स के सिग्नल को हाईजैक कर लिया। इंटरेस्टिंग आई गेस। वैसे 1053 मतलब अगले चैप्टर के बाद ओडा एक महीने का ब्रेक ले रहा है, और एक महीने बाद न्यू सागा चालू होगा, मतलब कि शायद 1053 लास्ट चैप्टर होगा वानो आर्क का भी। तो फिर एक चैप्टर में क्या ही कर लेगा भाई रोकी, अरे यार ये जो भी नाम है इसका बहुत गंदा नाम है, रियोकोग्यू चीचा, क्या कर लेगा बताओ? हो सकता है कि न्यू सागा का फर्स्ट आर्क में भी अपने को वानो ही दिखे, क्योंकि अभी भी चीज़ें अच्छी खासी बची है वानों से रिलेटेड। मुझे नहीं लगता कि एक चैप्टर में ही रॉबिन पोनिक्लिफ पढ़ के, स्ट्रॉ हैट्स बाउंटी देख के, रियोकोग्यू को फेस करके वानों से निकल जाएंगे। तो एक चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक के बाद भी अपने को वानों ही दिखेगा शायद। जुनेशा क्या करने आई थी यार वो वानो, बताना ज़रा। उसने बोला था लड़ूंगी, बहुत लड़ ली वो, है ना? मतलब राइजो उसके पानी से ज़्यादा हरकत किया है, सीरियसली यार। मेरे को लगता है वो बस दो चीज़ विटनेस करने आई थी, जॉयपॉय को जो कि उसने कर लिया, और वानो के ओपन होने वाले मोमेंट को जो कि नहीं हो पाया चोदुनुस्के के चक्कर में। अ गुड डिसीजन आई गेस फ्रॉम चोदुनुस्के। वेल नेक्स्ट चैप्टर में बाउंटी रिवील, रियोकोग्यू, अरे यार इसका नाम बहुत गंदा है, हरा सांड का कुछ हो सकता है, दिख सकता है अपने को फेस रिवील शायद से, और रॉबिन से रिलेटेड कुछ दिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स जब आएंगे तो प्लीज़ कमेंट मत कर देना उसको, क्योंकि मैं चाहता है कि नेक्स्ट चैप्टर को मैं बिना स्पॉइल हुए रीड करूं। आई मीन यार स्पेशल चैप्टर है यार ये, आई मीन दिस चैप्टर विल मे बी दी लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सागा एंड दिस आर्क, तो स्पेशल तो है, एंड प्लस बाउंटी रिव्यूज यू नो, तो स्पेशल है। प्लीज़ कमेंट पे स्पॉइल मत करना, क्योंकि भाई चुल रहती है, तुमको भी पता है, मेरे अंदर भी वो चुल था पहले, अब नहीं है, बट पता है मुझे चुल रहती है, कुछ दिन के लिए वो चुल को कंट्रोल कर लेना। इतना ही ओपिनियन और ज्ञान देना था इस चैप्टर पे मेरे को, मस्त चैप्टर था, मज़ा आया बात करके। अब 20 को ही मैं वीडियो बना पाएगा, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आज तो नहीं मिलेगी, तो बाय बाय।